हे गाइस, दिस इज सी ए सागर का सेट। वेलकम यू ऑल टू गाइडलाइन नॉलेज सेंटर। बेटा, हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताने नहीं आया कि भाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आईसीएआई का कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के। सो वेरी फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, मैं सिर्फ दो क्लैरिफिकेशन दूंगा ये अनाउंसमेंट के बारे में। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट बिकॉज बेटा सीए का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना एक बड़ी खबर है एंड जो एंटिसिपेटेड था, तो इतना बड़ा नहीं होगा अभी के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड। दो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो। दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो 27th अप्रैल का नोटिफिकेशन है, दिस इज ओनली फॉर सी ए इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। एंड द सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज नॉट फॉर द फाउंडेशन, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आईसीएआई विल बी गिविंग 25 डेज का प्रायर नोटिस। लुक एट दिस, नोटिस ऑफ 25 डेज का विल बी गिवन बाई आईसीएआई। सो फाइनल डेट्स अभी तक आए हुए नहीं है। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी सर्टन क्वेश्चंस एंड उसी के लिए आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड आई शुड टेल यू ऑल, आई शुड गाइड यू ऑल, वट एवर आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहला क्वेश्चन आ रहा है सर एग्जामिनेशन कब होंगे, अभी पोस्टपोन होंगे तो कब होंगे। भाई सिंपल सी बात है, नोबडी नोज व्हेन दिस कोविड विल्स, दिस कर्व विल्स फ्लैटन और डिक्लाइन। सो जब वो डिक्लाइन होगा तभी, वैसे बीच में एक एसबीआई का रिपोर्ट आया था विथ रिस्पेक्ट टू रिसर्च कि भैया ये कोविड का कैसे रहेगा सिनारियो एंड व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेशंस और कैसे कब वो कब फ्लैटन होगा, कब कोविड के केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एसबीआई का रिपोर्ट दैट इज़ टू बी देयर इन थर्ड वीक ऑफ मे, अराउंड थर्ड वीक ऑफ मे। सो वी कैन जस्ट एस्टिमेट दैट द प्रोबेबली एग्जामिनेशंस कैन बी इन जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक, जुलाई मंथ में कभी भी हो सकता है प्रोबेबली। दिस इज वॉट आई फील, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि भैया तब होंगे एग्जाम्स। अब ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द सिचुएशंस एंड आईसीएआई विल बी टेकिंग द बेस्ट डिसीजन विच विल बी वेरी मच इन इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। तो सर क्या करें, अभी कैसे प्रिपरेशन करें, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फाइनल एग्जामिनेशंस। वेरी फर्स्ट थिंग वॉट यू गाइज हैव टू डू राइट नाउ इज, सिंस दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एवरीबडी from every corner of the country, what you have to do, two things you have to prioritize right now. One, obviously study you will be prioritizing, but along with study, what I'll recommend is the second most important thing is your health, as well as the health of your family, as well as whatever, whoever need your help, guys, you can do that, you can contribute to the society. That is also very big responsibility, sahi hai na. So you have to understand that now you are so much mature. So now CA intermediate students and final students will be watching this video, so this, you must be mature, right? So that's why you guys have to understand this thing. And right now I'm not saying that leave the study and do all these things. No, yeah, obviously you have to manage everything. So even if now exams have been postponed, you must have got the excessive time now. Jitna bhi time milega wo excessive hi rahega. You must have planned your studies according to May examination, है ना, सही है ना। 22nd May से आपने plan किया रहेगा, but भैया now you are getting enough time ना, so you can just pull back yourself to a normal study life, है ना। Along with that, very important thing कि भैया you have to do this particular second important, most important thing as well, है ना। This is what I believe. Now final call obviously will be your, but I will definitely recommend कि भैया please take care of yourself and your family. So that is very important thing. Now next important thing, sir study को कैसे manage करें। काफ़ी सारे ऐसी भी news आ रही है, students ने मुझे काफ़ी सारे बोला यार कि sir lot of people are saying कि examination will be cancelled and directly November में exams होगा। तो देखो, obviously we don't know कि cancel होगा या postponement होगा, I don't think so कि cancel होगा, but आपने क्या करना चाहिए, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो। कैंसिल होना एग्जामिनेशन ये तभी होगा जब कोविड का बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा सिनारियो, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कैंसिल होगा एग्जामिनेशन। बट यू शुड नॉट लुक एट दिस सिनारियो कि भैया कैंसिल होगा क्या, फिर क्या होगा, नहीं। व्हाट आई बिलीव, अभी जो स्टैंडर्ड लाइफ चल रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल्स पढ़ाई करो। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द वीडियो कि डोंट गिव लैक। अभी ऐसा मत सोचो कि भाई पोस्टपोन हो गया तो मैं 10 दिन टाइम पास कर लूँगा एंड 10 दिन के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करता हूँ, तो नो, आई डोंट थिंक सो। यू शुड डू दिस, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। जस्ट डोंट गिव लैक, डेफिनेटली यू कैन टेक अ ब्रेक
अच्छा टाइम आप थोड़ा ब्रेक ले लो, कल का एक दिन आप ब्रेक ले लो, बट वॉट आई बिलीव इट्स कि मोर देन वन डे यू शुड नॉट गिव अ लैक। एक नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई करो, पहले 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी करते थे उससे कम ही करो, डेफिनेटली तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा अपकमिंग टाइम में। एंड प्लान यूअर स्टडीज प्रॉपरली कि भैया आप कभी लैग नहीं करोगे, एंड वॉट एवर यूर प्लानिंग वुड बी। नाउ इफ यूर प्लानिंग इज अप टू मे एंड, सो नाउ इट विल डिपेंड अपॉन स्टूडेंट, भाई तुम्हारा स्टडी का पोजिशन क्या है उस बेसिस पे आप देखो कि आपका प्लानिंग आपका पूरा पढ़ाई डेली लेट से 6 घंटे करके या 8 घंटे करके, 6 घंटे करके कितना होता है, तो मे एंड तक खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। मे एंड के बाद तो आप रिविजन करना स्टार्ट कर दोगे, जितना ज़्यादा रिविजन रहेगा उतना ज़्यादा पढ़ाई बेटर पढ़ाई होगा ना। सो यू कैन नॉट से लाइक दिस कि मान लो जुलाई में एग्जाम होगा तो मैं जून तक का प्लानिंग करता हूँ, नो अपना नॉर्मल प्लानिंग करो हर रोज। पहले आप 10 घंटे पढ़ाई करते थे, अभी 6 घंटे कर रहे हो, तो 6 घंटे में बेसिकली कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, मे एंड तक हो जाएगा, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन नहीं है। प्रोबेबली मे एंड तक तो एग्जाम तो होने ही नहीं है, सो मे एंड तक का प्लानिंग कर लो अच्छे से एंड उस हिसाब से चलो, सही है, क्लियर विद दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी भी अभी लैग मत रखना बस पढ़ाई में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज इससे क्या होगा, इफ़ यू गिव अ लैग टू योर स्टडी राइट नाउ, लेट से आपने 10 दिन का ब्रेक ले लिया, तो ये 10 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी नहीं, एंड 10 दिन के बाद फिर से पढ़ाई करने बैठोगे ना तो विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिकॉल लॉट ऑफ थिंग्स, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। फिर जो अभी 10 दिन का ब्रेक लिया ना भाई, वो पूरा रिकवर हो जाएगा अगले 20 दिन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ें समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करो प्रॉपरली मे एंड तक का, एंड उस हिसाब से चलो आगे, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिलीज हेल्थ, योर लव वंस, वट एवर जो भी है भैया, जितना ज़्यादा कर सकते हो टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कुछ भी क्वेरीज रहेंगे, आई विल बी अपलोडिंग रिविजन वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल, एंड अपने यूट्यूब चैनल पर रिविजन वीडियोज अपलोड करूँगा ऑडिट के रिगार्डिंग डेफिनेटली, और CA इंटरमीडिएट IPCC बोथ अलॉन्ग विद दैट। पहले चार चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, रिमेनिंग चैप्टर्स आई विल सून रिकॉर्ड द वीडियोज। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर CA में इंटरमीडिएट ऑडिट एंड FM के लिए भी मैं काफ़ी सारे एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस RTPs MTPs एंड रिविजन के रिगार्डिंग भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा फॉर CA में इंटरमीडिएट ऑडिट एंड FM एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर CA इंटरमीडिएट IPCC आई डेफिनेटली अपलोड द रिविजन वीडियोज ऑफ ऑडिट। RTP का मेरा वीडियो बचा है मई 2021 का, वो भी मैं कुछ पार्ट्स जो बचा है वो अपलोड कर दूंगा, जल्दी ट्राई करूंगा, मई के फर्स्ट और सेकंड वीक से मैं ट्राई करूंगा अपलोड करना शुरू। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी टेकन क्विज, एक टेस्ट चल रहा है हर रोज MCQ का CA इंटरमीडिएट IPCC एंड CMA इंटर ऑडिट के लिए, एक मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है MCQ का। उस MCQ के टेस्ट सीरीज में क्या होता है, सिंपल से मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि उसमें डेली बेसिस पे 10-10 MCQ आ रहे हैं। सो वो 10 MCQ ऐसे है कि जहाँ से आपका काफ़ी सारा रिविजन भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हर एक MCQ के लिए आपको ऑलमोस्ट हर एक MCQ के लिए सॉल्यूशंस में एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, एंड एक्सप्लेनेशंस के साथ अगर जरूरत नहीं रहा तो बेसिकली उसके साथ डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स भी दिए हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का काफ़ी सारा रिवीजन उधर ही हो जाए। MCQ किया, सॉल्यूशंस देख लिए, टेस्ट सीरीज एंड पूरा ऐप बेस्ड है, तो वो इट इज़ वेरी इफिशियंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड पूरा अच्छे से ट्रैकिंग वगैरह रहेगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सो अगर आपको पसंद आए पहला टेस्ट तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू कैन एटलीस्ट टेक दैट 10 MCQs का टेस्ट पहला वाला, अगर पसंद आए तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज ऐसा भी आपको वैल्यू मिलना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट आई एम 100% इंश्योरिंग कि भाई आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिले, सही है ना। चल तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड राइट नाउ, है ना, अपन फिर से मिलेंगे फॉर कमिंग वीडियोज, अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे, आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे यू कैन जस्ट कमेंट, है ना, फॉर दी ये वीडियो के नीचे कमेंट कर दो वॉट एवर यू बिलीव कि आपको जो भी चाहिए मेरे साइड से फॉर ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, वॉट एवर यू थिंक कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ बाकी क्वेरीज वगैरह रहेगा तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई पर्सनली हैंडल ऑल द क्वेरीज। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे एप्लीकेशन पे यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, सही है ना, सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। एंड अगर आपको पसंद आता है बेटा मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।